अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? ईद का ये पहला दिन है और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो मेरी यही दुआ है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरे और आप सब बहुत खुशी से ईद मनाएं इंशाल्लाह। तो ये है कुछ मीठा जो बनाया था मैंने। सेवैयाँ बनाई थी, खीर नहीं बनाई इस दफ़ा बिकॉज़ बहुत थक गए थे रोज़ों के बाद। और उसके साथ कुछ मैंने केक बनाया था, गाजर का हलवा मैंने बनाया था। तो यहाँ पे हमने ईद की नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि जेंट्स हजरात कब आएंगे घर और हम लोग हमला करेंगे खाने पे। आज हम हैं इस नए विले में, तो आप देख सकते हैं हम लोग। आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, आइए आइए। ये हमारा बड़ा भाई, ये हमारे चाइनी, हमारा ड्रेसिंग रोज़ा आ गया। ड्रेसिंग रोज़ा आया, फॉलो करो, इधर ही है। ये देखो माशाल्लाह, ये आ गए अंदर मस्जिद। ये रहे, ये रहे, क्या ये ड्रेसिंग रोज़ा? मेरे कैमरा को हाई करे। हम खाएगा अभी बनाया ठंडा ही। सुभान अल्लाह। चम्मच चाहिए? नहीं, लो जी सेवैयाँ आ गई। हमारे घर पे जो सबसे छोटा सा बेबी है उसको सबसे पहले ईदी दे दी है और अभी देखें यहाँ पे हमारी ईदी गिनी जा रही है। अब वो बहुत सीरियस हो के ईदी गिन रहे हैं कि सबको मिले। पहले से कम ईदी मिली है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिली तो है। और मैंने ईद के लिए केक बनाया था और ये देखें कितना अच्छा चॉकलेट केक बन गया घर पे। ऊपर से मैंने जो है व्हिपिंग क्रीम बीट की और फिर पाइपिंग बैग लिया, उससे मैंने लिखा। मुझे समझ नहीं आ रही थी पहले मैं कैसे लिखूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। और स्ट्रॉबेरीज पड़ी थी फ्रिज में और ब्लूबेरी था, तो मैंने वो भी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर लिया इस पर। और बहुत मज़े का बना था, बहुत सबको पसंद आया। पहली ईद है, तैयार होना तो बनता है। और फिर प्लान तो नहीं था कहीं बाहर जाने का, हमने कहा चलो पहले तैयार हो जाते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आई शेड्स लगाने लगी हूँ। ये हुदा ब्यूटी का सबसे पहला जो आई पैलेट आया था ना, ये वो है। तो सबसे पहले मैंने बेसिकली यूज़ किया था बाय शेडो का, नाम है BAE बाय। और फिर दूसरा है शाय, ये मैंने आई लिड में लगाया था। उसके बाद मैंने आई कॉर्नर पर लगाया था मैन ईटर शेड है, ये थोड़ा डार्क है तो मैंने ये लगा लिया था। उसके बाद मुझे थोड़ा ग्लिटर शेड देना था तो मैंने मेटालिक शेड बीच में लगा लिया था, मिडल ऑफ आई मैंने ये लगा लिया था और अच्छे से स्मज कर लिया था। और बहुत ही अच्छा दे रहा था, बहुत ही डिसेंट सा था, ज़्यादा बहुत ओवर मेकअप नहीं किया था मैंने। और ये देखें, मैंने मेहंदी तो लगा ली थी, फिर मैंने ये फेक नेल्स लगाए थे। इसका कलर इतना प्यारा था, ये बहन ने शीन से ही मंगवाया था तो मैंने कहा लगा लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं था लगाना। और ये है मेरा ईद ड्रेस और इसके साथ मुझे ये नेल्स बहुत अच्छे लग रहे थे। आप प्लीज़ इग्नोर करें जो पीछे पूरा कचरा मचा हुआ है, ईद में ऐसा ही होता है, सबके घर होता है। तो यहाँ पे बस टाइम ही नहीं मिला सेट करने का। और ये मेरा सूट है, मेरी बहन ने भी ऐसा ही लिया, ये अबू ने लेके दिया था। मेरा पिस्ताची कलर था और किरण का था ब्राउन। और ये देखिए नेल्स कितने प्यारे लग रहे हैं, मेरा दिल कर रहा था कि मेरे पास ऐसे क्यों नहीं है रियल में। और हम लोग बस तैयार हो चुके थे बाहर जाने के लिए। और ये है मेरे शूज़, इस बार मैंने नए शूज़ नहीं लिए थे, मैंने जो पिछली ईद में पहना था वही मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। और ये देखें, इसके साथ इतना खूबसूरत दुपट्टा था जो कि बहुत मुश्किल था संभालना, तो बाहर मैं ये लेकर नहीं जा सकती थी। इसके साथ सादा दुपट्टा भी ले लिया था अबू ने, दुकान वाले से बहस करके सादा दुपट्टा भी निकलवाया था। और ये है मेरी फेवरेट परफ्यूम जो मुझे भाई ने गिफ्ट की थी लास्ट बर्थडे पे, एज नाम है आई थिंक, ये स्विस अरेबिया का है और बहुत ही अच्छी स्मेल है। और फाइनली हम आ गए हैं DFC, दुबई फेस्टिवल सेंटर। ये दुबई में बहुत ही बड़ा एक सेंटर है, बहुत ही खूबसूरत है और इतना अच्छा इन्होंने सजाया हुआ है। आई थिंक रमदान और ईद के लिए, दोनों के लिए था। और यहाँ पे देखें क्रेज़ी कार
ये जगह है उसी के अंदर सेकंड फ्लोर पे, बहुत ही अच्छा है। बच्चे आराम से बस लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं, उनकी वीडियो बना रहे हैं, वो ऐसे ही ईद इन्जॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे परदेस में ऐसे ही ईद गुजरती है, आपका टाइम निकल जाता है इसी तरह से और हम लोग बस वीडियो बनाते रहते हैं। और ये देखें ना ज़रा मच्छी मार्केट, ऐसे लग रहा था फ्री बांट रहे हैं KFC। इतना ज़्यादा रश, प्लीज़ मॉल्स में कभी ना जाएं, ईद के दिन बहुत ही रश होता है, बहुत ही क्रेज़ी वाला रश होता है। ना पार्किंग की जगह मिलती है टाइम पे और ना फूड कोर्ट्स में जगह होती है। तो प्लीज़ चुप करके घर पे खाना खाएं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वो तो कभी नहीं भूलें। मेरी ईद ही हो जाएगी आपकी तरफ से अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। आप सोच रहे होंगे कितनी चवल हूँ मैं, और ये देखें इतनी कम ईदी मिली थी मुझे, तो आप मुझे ईदी दे दें सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।